रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रीवियस वीडियो, यानी मैं डेट के साथ बोलूंगा 5 जुलाई को मैंने बाइंग करवा दिया था दोस्तों, फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2100, वही 2100 के लेवल कल और पिछले 3 दिन पहले भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज में बाई करिए और इसका जो एवरेज होगा 2070 होगा, और इससे ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हमें रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा, ये बात भी मैंने बता दिया। पर जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये 2110 और 2090-80 के बीच ही ट्रेंड ट्रेड में है, ट्रेंड इसका ट्रेड में है। अब काफी लोग ये बोल रहे हैं, सोहेल भाई अभी तक तो हमें HDFC सताने लग रहा था, इन्फोसिस सताने लग रहा था, अभी हमारा तो अमर राजा तो सता ही रहा है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में उसमें लग गया सोहेल भाई, ये भी अब ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है, इन इन वैल्यूज में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब आप ही बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे ट्रेंड में आने वाला है। तो दोस्तों सिंपल सी सजेशन ये बोलना चाहता हूँ, अब देखिए ये तूफान आने से पहले पूरा आसमान साफ होता है, उसके बाद ही तूफान आता है। अभी देखिए कुछ से भी मूवी में हीरो आने से पहले टाइटल्स कैसे आते हैं, नौ दबा दबा के आते हैं, जब हीरो आता है और ज्यादा आ जाते हैं, उसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज भी एक हीरो है। ये क्या है पता है, तूफान आने से पहले का साइलेंस है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छी तरीके से रैली देगा। थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा पेशेंस लगाइए, मैंने आपको 7 to 14 days का स्ट्रेटेजी बताया, अभी तो 7 to 14 days खत्म ही नहीं हुए, इसीलिए बोल रहा हूँ और होल्डिंग लगा के चलिए। और अगर जो भी बाइंग नहीं लिए हैं फ्रेश बाइंग ले लीजिए, मैं आज फिर से टारगेट अपडेट करने वाला हूँ और फ्रेश बाइंग भी देने वाला हूँ फिर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद सोहेल, आपके सामने स्टॉक पे बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये 1 day का कैंडल चार्ट है दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर डायरेक्ट फोकस करेंगे। जैसा मैंने पिछली बार आपको बता दिया था, आपको 2100 पे बाई करना है, जब मैंने बताया तब ये यही लेवल था और स्टॉक अभी भी यही लेवल के पीछे ट्रेंड हो रहा है। कभी भी कौन से भी स्टॉक हम लोग बाई करते हैं दोस्तों, चाहे वो 2100 होने दीजिए, 2120 होने दीजिए, 10 से 20 रुपए ऊपर और नीचे जाना कॉमन है, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटाइलिटी होती है और ये स्टॉक वॉलेटाइल वाला स्टॉक है। पर अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे RSI और MACD, इसके अंदर ओवरऑल कंसोलिडेशन पे ही है और ऊपर से नीचे लेवल पे लूज कैंडल फॉर्म कर रहा है, जो लूज कैंडल फॉर्म कर रहा है इसे क्लब होना जायज है, ये क्लब और थोड़े दिन लगेगा, आई थिंक मेरे हिसाब से 5 to 7 days भी लगेगा, 7 to 13 days भी लगेगा क्लब करने के लिए। अगर ये क्लब हो गया ना, इसको आप रोक सकते हैं रैली देने के लिए, ना मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट रैली ऊपर देने लगा तो हम लोगों को स्टॉक में 2240 लेवल देखने को मिलेंगे। फाइनल टारगेट है ये मेरे, ये प्रीवियस वीडियो में भी अपडेट किया हूँ, मैं आज के वीडियो में अपडेट कर रहा हूँ। क्यों अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक के अंदर 2270 के नजदीक तक रैली देखने को मिला, पर इधर इसने ब्रेक डाउन किधर दिया, 2270 और 2240, तो मैं 2270 का तो रिस्क आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपका कैपिटल और आपको सही रास्ते पे चलाना मेरा काम है। तो मैं आपको 2240 फाइनल टारगेट दे रहा हूँ, और बाइंग मैं आपको अभी भी दे रहा हूँ, 2090 में बाई करिए, कोई फर्क नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आप बाई कर सकते हो। और आपका जो टारगेट है यहाँ से जो चालू होने वाला है 2140 है दोस्तों, 2170 है, ये दो शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे, 2190 और 2210 ये प्रोफेशनल में आ जाएगा, और 2240 फाइनल टारगेट होंगे। अगर एक बार ये टारगेट के बाद सस्टेन करने लगेगा तो स्टॉक एक ही दम रैली पे रैली देता ही चला जाएगा। तो मेरा सजेशन आपसे ये है, स्टॉक में बाइंग लगाइए, जो ऑलरेडी बाई करें होल्ड करिए, जो नहीं करें बाई कर लीजिए, चांस मिस मत करिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, फॉर इंट्राडे लाइव टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड कीप एंकरेजिंग मी दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये 15 मिनट्स का इंट्राडे कैंडल चार्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर
ओवर बाइंग के कारण स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि स्टॉक के अंदर प्रेशर जितना ओवर बाइंग का है उतना ही ओवर सेलिंग का है, वो आपको इंट्राडे देखने से पता चलेगा, क्योंकि उसके अंदर पूरा कांस्टेंट लेवल के हिसाब से किधर जाना है किधर नहीं जाना है हमें खुद कंफ्यूज कर रहा है। पर हम लोगों का जो डिसीजन होगा कल के लाइव मार्केट में, थोड़ा बहुत रिलायंस इंडस्ट्रीज नीचे जाएगा, उसके बाद बाकी पूरा आपको बाइंग प्रेशर ही देखने को मिलेगा। तो मेरा सजेशन आपसे ये है, थोड़ा सब्र करिए, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में बाइंग ही ट्रेड करिए। 15 जुलाई 2021 थर्सडे, रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्लोजिंग है 2082.35 पैसा। यह मैं टारगेट निकाल रहा हूँ फॉर 15 जुलाई 2021 फ्राइडे के लिए। फ्राइडे लाइव मार्केट में आपको मेरे लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले या सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, आप मेरे टारगेट एंड स्टॉप लॉस लाइव मार्केट में लेकर चल सकते हैं दोस्तों।